ये देखो ये पतंग मेरी ऊपर से आई, ये चला मैं, ये मारी मैंने अंदर की और देखो काट दी, उल के आया पूरा वो। ये नीचे से रही पतंग, ये मैंने खड़ी करी पतंग, खींची बाहर को और देखो चक्करों में काट दी भाई उसकी पतंग। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइटलर ऑफिशियल। तो ये देखिए आज की वीडियो होने वाली है काइट कटिंग इन स्लो विंड। भाई आज मेरी तरफ काफ़ी हल्की हवा है, बहुत ही हल्की हवा है। तो ये रही हमारी पतंग देखो पट्टेदार, और इस पतंग को हम अभी पार करते हैं, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हवा तो बहुत ही हल्की चल रही है। अब देखो हवा हल्की है लेकिन मेरी तरफ पतंगबाजी होती रहती है, हल्की हवा हो चाहे तेज़ हवा हो पतंगबाजी होती रहती है। तो देखो हम अब इस पतंग को करते हैं पार। और भाई आप लोग के जैसा कि कमेंट आ रहा था कि आप बड़ी वाली पतंग लाओ, उससे काइट फाइटिंग करके दिखाओ पन्नी वाली। तो देखिए मैं कुछ पन्नी की बड़ी पतंगें ले आया हूँ, तो आगे जो वीडियो आने वाली है काइट कटिंग के ऊपर उसमें देखो मैं बड़ी पन्नी की पतंग उड़ाऊँगा और उनसे पतंग काट के दिखाऊँगा। तो वाली भी वीडियो मेरा देखना मत भूलना। और काइट शॉप की वीडियो आने वाली है और काइट कैचिंग की वीडियो आने वाली है। तो यहाँ पे देखो ये बढ़ के जा रही है हमारी पट्टेदार पतंग, तो इसे पार करते हैं और जल्दी से फिर दोस्तों से लड़ा के आपको दिखाते हैं। तो देखो ये रहा भाई हमारा पहला पेज, ज़्यादा लंबी रेंज का पेज नहीं है क्योंकि हवा काफ़ी हल्की चल रही है। तो देखो जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी मेरी पतंग नहीं, मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है। और यार बीच में टावर आ रहा, तो आपको एक पतंग टावर के उधर दिख रही होगी मेरे अपोनेंट की, और मेरी पतंग टावर के इधर है। ये मैं चला, ये बनाया मैंने, ये मैंने मारा अंदर का। देखो मैंने जो मुड्डा रखा ना वो एकदम अंदर का रखा उसके हाथ की तरफ का, और देखो जैसे उसने बाहर खींची उसकी पतंग कट गई। तो यहाँ पे देखो हमने पहली पतंग काट दी है, चलो और उसे लड़ाते हैं, आपको दिखाते हैं। देखो आगे से एक पतंग उड़ रही है, इसी से भी लड़ाते हैं। तो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग है, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से उड़ाएगा। और देखो हवा कितनी हल्की है भाई, कितने ज़ोर से हमें हाथ पैर चलाने पड़ रहे हैं तब जाके हमारी पतंग पार होके जा रही है उससे लड़ने। अब भाई मैं थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा, मैंने हाथ पैर चला लिए, चलो इसी से लड़ाते हैं। ये चला मैं, ये बराया मैंने, ये मारा मारा उसने अंदर की दिखाई, मैंने ढील छोड़ी, ओ तेरी। देखो जैसे ही मैं पतंग उठा रहा था ना वहीं मेरी पतंग कट गई। तो गाइज वाली पतंग तो मेरी कट गई, अब ये मेरी कुछ और पतंगें रहीं। भाई टेंशन मत लो, कितनी पतंगें कट जाएं, पतंगें बहुत हैं फिलहाल, अब थोड़ी ख़त्म भी हो गई लेकिन टेंशन मत लो, स्टॉक आता रहेगा पतंगों का, मंजूली का। तो देखो ये पतंगें मैंने कुछ तैयार करनी, इसी को उड़ाता हूँ। और पतंगबाजी में अभी दिखाऊँ, हवा देखो उतनी हवा बिल्कुल भी, हवा की स्पीड तेज़ नहीं हो रही है, सब लोग हाथ पैर फेंक के पतंग पार कर रहे हैं। देखो गिलहरा उड़ रही है लाल कलर की, तो देखते हैं जो मिलता है हमसे लड़ाने वाला उन्हीं से लड़ाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखो ये चली हमारी पट्टेदार पतंग हल्की हवा में, और आगे पेज भी लड़ाओ गिलहरा वाला कटने वाला, देखो कट गया उस बंदे ने, काटा है देखो गिलहरा वाला, वो कट के जा रहा है, और ये हमारी पतंग पार होके जा रही है। चलो उसी से लड़ाते हैं, जो सामने पतंग दिख रही है ना इसी से अभी लड़ाएंगे। ये देखो ये आ गया हमारा पेज, तो जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी मेरी पतंग में, मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, नीचे से आ रखा है। और ये वही बंदा जिसने अभी गिलहरा पतंग काटी थी, चलो गिलहरा का बदला लेते हैं। ये चला मैं, फिर उठाई मैंने पतंग, झोल मेरा काफ़ी नीचे लटक रहा है, बनाया बनाया मैंने, ये बनाया मैंने, ये भी कट गई भाई। हम गिलहरा का बदला लेने गए थे और हमें ही बदले की ज़रूरत पड़ गई, हवा बहुत हल्की यार, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल। देखो देखो ये कट के जा रही है भाई एक पतंग, एक और गिलहरा पतंग कट के जा रही है पीछे से, और जो ये ब्लू वाला इसे लपेटने की कोशिश कर रहा है, आ जानी चाहिए हल्की हवाएं, घुमा रहा देखो चक्कर ले रहा है, ये लिए इसने चक्कर लिए अरे वो भी गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई इतनी हल्की हवा में इससे पतंग ही लपेट मिली, देखो दोनों पतंग गई, और इस वाली पतंग ने काटी थी जो चार खाना दिख रही है। इधर भी देखो आप, इधर भी एक पेज लड़ रहा, तो जो पतंग आपको मुड्डेदार दिख रही होगी ये पतंग नीचे से लड़ रही है, और जो पतंग आपको रेड कलर की चार खाना दिख रही होगी ये ऊपर से लड़ा रहा है ये बंदा, ये मुड्डे वाला काफ़ी अंदर ले गया है और अंदर गया, देखो झोल का झोल पकड़ रहा है मुड्डेदार वाला, और देखो इसे झोल मिल गया, मुड्डेदार वाले को झोल मिल गया भाई, ये काट दी मुड्डेदार ने, देखो इसे झोल मिल गया था क्योंकि उस बंदे ने जो अपना मुड्डा बनाया ना उन्होंने गलत बना दिया, अगर वो ही मुड्डा वो सीधा बनाता ना तो काट सकता था, लेकिन उसने जो मुड्डा बाहर का बनाया तो उसका नीचे लटक गया और उसकी पतंग कट गई, देखो वो जा रही है कट के।
तो ये रहा भाई एक और नया दिन। और कल तो आपको पता ही होगा हवा ने बिल्कुल दम तोड़ दिया था एंड में, तो इसीलिए हमने पतंग ज़्यादा नहीं उड़ाई। तो यहाँ पे देखो हम पेड़ उड़ा रहे हैं, तो जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी मेरी पतंग है, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आना चाह रहा है। चलो इसी को आने देते हैं नीचे से। देखो कितनी तेज़ी वो नीचे से बढ़ रहा वो बंदा, लगता मेरा झोल काट के जाएगा। यहाँ पर मुझे पतंग बचानी चाहिए। खींची खींची मैंने पतंग बचा ली अपनी। तो देखो अगर मैं वहीं पर ही मुड्डा रख देता ना तो मेरी पतंग कट जाती, क्योंकि मेरा झोल लटक रहा था नीचे, पतंग मेरी काफ़ी लंबी थी। ये मैंने करी अपनी डोर टाइट। अब देखो अगर पतंग लंबी हो ना तो डोर थोड़ी अपनी टाइट लेके चला करो, वरना झोल नीचे लटकेगा। तो बंदा काफ़ी तेज लग रहा है भाई, फुर्तीला लग रहा है ये बंदा जो नीचे से उड़ा रहा है। देखो कितनी तेज पतंग चला रहा है। चलो इसकी काटने में मज़ा आएगा। ये दोबारा गया मैं, उसे डोर का भी अंदाज़ा है। देखो अपनी पतंग बार बार बचा ले रहा है, फिर चला और ये देखो काट दी मैंने। देखो मैंने सीधा गद्दा मारा, जैसे उसने ऊपर की खींची मैंने एंड टाइम में मुड्डा पलट के रुक दिखा दिया। तो ये पेज होते हैं ना टाइमिंग के होते हैं। अब आगे एक पतंग लड़ ली, चलो इससे लड़ाते हैं। देखो ब्लू सर्कल के अंदर दिख गई होगी आपको, ये चला मैं, बचा ली उसने पतंग अपनी। देखो फिर बनाया, ये मारी मारी बाहर की मैंने, और देखो एक और काट दी भाई। लगातार मैंने वीडियो रोकी नहीं है, दो पेज काट दिए। और देखो इतने में एक और बंदा हमसे लड़ाने आ गया है ब्लू सर्कल में, उसकी भी पतंग दिख जाएगी, वो ऊपर से लड़ा रहा है। ये चला मैं नीचे से, ये खींची मैंने बाहर की, और भाई इस बंदे को तो मैंने मौका ही नहीं दिया। तो देखो वीडियो मैंने रोकी नहीं और कंटिन्यूसली मैंने तीन पेज काट दिए लगातार, देख सकते हैं आप। जो अभी मैंने काटी है उसकी पतंग वो जा रही है, देखें इसे लपेटने की कोशिश करते हैं क्या आ जाए। नहीं डोर निकल गई इसकी एकदम, देखो मुंह के पास से मैंने काटी थी और इसे खींच मारने का भी मौका नहीं दिया। और सामने जो पतंग देखी ये मेरी रही। चलो और उसे उड़ाते हैं, आपको दिखाते हैं। अब हो गई भाई शाम, और शाम को देखो पतंगें काफ़ी ज़्यादा उड़ती हैं। तो रेड सर्कल के ना मेरी पतंग है, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के ना हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है। अब देखो मैं उससे उड़ा रहा था लेकिन बीच में ये दूसरा बंदा अपनी पतंग डालने लगा। तो इसकी पतंग सबसे पहले मैंने इसकी पतंग से अपनी पतंग हटाई, वरना दोनों से पेड़ लड़ जाता मेरा। ये चला मैं, देखो मारा मैंने बाहर का, और देखो काट दी। जैसे मैंने बाहर का मारा ना वो बंदा थपथपा रहा था, लेकिन मैं एकदम क्रॉस में मारते हुए ले गया। एक और पतंग देखो मैंने काट दी है, वो जाती है पतंग, वो चले गई। देखो पसंद आई ना वीडियो? हाँ मुझे पता पसंद आई होगी और आपने लाइक कर दिया होगा, और नहीं करा तो जाके जल्दी से लाइक कर लो। और बहुत ही जल्द आपको काइट फाइटिंग विद अ बिग काइट के ऊपर वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि मैं पतंगें ले आऊँ बड़ी बड़ी, तो वाली वीडियो देखना मत भूलना। और काइट कैचिंग की वीडियो आने वाली, काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।